से भारत जहां एक तगड़ी डील करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पे प्रकृति का ये कौन सा कहर टूटा है। 114 कंपनियों को बर्बाद कर दिया इस तूफान ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खाड़ी देशों में कदम का विस्तार करते हुए भारत ओमान आने वाले महीनों में एक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है और मोदी सरकार की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी का एक और नया चैप्टर इसे माना जा रहा है। नई दिल्ली मिडिल ईस्ट में अपने संबंधों का विस्तार करना चाहता है, जहां बढ़ते जियोपॉलिटिक्स तनाव प्रमुख शिपिंग मार्गों को खतरे में डाल रहा है। एक अधिकारी के अनुसार इससे भारत को एक रणनीतिक साझेदारी और स्थिर क्षेत्र में प्रमुख व्यापार मार्गों तक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत और ओमान के बीच वार्षिक व्यापार फिलहाल $13 अरब से कम है, लेकिन यह रिश्ता नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान भारत और ईरान के बीच हॉर्मुज जल स्ट्रेट का प्रवेश द्वार है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट है। हालांकि भारत में फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहा है, लिहाजा स्ट्रेट डील पर फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो ओमान के साथ व्यापार समझौते पर जल्द ही दस्तखत कर लिए जाएंगे। भारत के व्यापार और विदेश मंत्रालय और भारत में ओमान के दूतावास और विदेश मंत्रालय ने फिलहाल स्ट्रेट डील को लेकर रॉयटर्स के ईमेल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन भारत समझौते पर थोड़ी प्रगति के बाद अब ओमान और यूएई जैसे खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की ओर रुख कर रहा है। कहा जा रहा है कि ओमान के साथ नियोजित सौदा प्रतिस्पर्धी बढ़त भी देता है, क्योंकि GCC पाकिस्तान और चीन के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार ओमान कृषि उत्पादों, रत्न, आभूषण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा करनो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और कपड़ों सहित वार्षिक $3 अरब के भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क खत्म करने पर सहमत हो गया है। वहीं भारत ने ओमान से कुछ पेट्रोकेमिकल्स, अल्मोनियम और तांबे पर आयात शुल्क कम करने पर सहमति जताई है। भारत और ओमान के बीच ट्रेड डील पर यह प्रगति पिछले साल दिसंबर में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के भारत यात्रा के बाद हुआ था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की थी, जिसमें एक नए भारत ओमान संयुक्त दृष्टि एक साझेदारी को अपनाया गया था, जिसमें 10 आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई थी। आपको बता दें, भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित बहुत ही पुरानी मित्रता रही है। इसके अलावा भारत और ओमान के लोगों के बीच संपर्क का आधार 5000 साल पुराना है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे और 2008 में इसे रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का युद्ध ईरान के साथ शत्रुता तक फैल गया है और यह यमन के ईरान गठबंधन हुती आतंकवादियों ने गाजा में फलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए लाल सागर क्षेत्र में बार बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। इससे वैश्विक शिपिंग में बाधा उत्पन्न हुई है और जहाजों को लाल सागर मार्ग से बचने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के माध्यम से लंबे समुद्री मार्ग का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यमन के हुती विद्रोहियों ने शुक्रवार को लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर को निशाना बनाया। एंड्रोमेडा स्टार, जो रूस से व्यापार में जुड़ा हुआ है, वो रूस के प्रिमोर्स्क से भारत के वाडिनार आ रहा था। लिहाजा ओमान के साथ ट्रेड डील भारत के लिए भविष्य में नए ट्रेड रूट को खोल सकता है और भारत इस मौके को जाने देना नहीं चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल निकल कर आ रही है चाइना से। चाइना के अंदर एक अलग ही तूफान मचा हुआ है और इस तूफान में इस बार चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है। 1,90,00,000 की आबादी वाला शहर है ग्वांगझाऊ और यहाँ पर बवंडर आया हुआ है। इस बवंडर में आधिकारिक तौर पर जो मौतें बताई जा रही है वो 5 लोगों की मौतें हैं, जबकि 33 अन्य घायल हो गए हैं। CNN ने चीन के सरकारी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी है। 1,90,00,000 की आबादी वाले शहर ग्वांगझाऊ में लेवल 3 की तीव्रता वाले बवंडर आए थे, जो उच्चतम स्तर 5
5 से 2 कम है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इस बवंडर ने 141 कारखानों की इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेकिन कोई आवासीय घर अभी गिरा नहीं है। बैउन जिले के लियांगतियान गांव के मौसम केंद्र में अधिकतम 20.6 मीटर प्रति सेकंड की गति वाला हवा का झोंका दर्ज किया गया। रात 10 बजे तक बचाव और राहत अभियान समाप्त हो गया था। बवंडर के बाद दक्षिणी चीन में कई दिनों तक भारी बारिश हुई है, जिससे बाढ़ आ गई है और लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। बचाव कर्मी पानी में फंसे हुए निवासियों को निकाल रहे हैं। ग्वांगडोंग प्रांत में बाढ़ के कारण 11,10,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। इस हफ्ते के शुरुआत में ग्वांगडोंग में बाढ़ के कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। चीन की मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इस महीने के अंत तक भारी बारिश और तेज तूफान रहेगा। वहीं चाइना में प्रकृति का ये कहर बहुत ही बुरी तरीके से दिखाई भी दे रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में ये दिख रहा है कि टोर्नाडो का एक बड़ा ही भयानक असर सामने आ रहा है। कई बड़े बड़े ओले वगैरह गिर रहे हैं और ये पूरा प्रांत एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में सबसे ज्यादा व्यापार व्यवसाय का काम होता है। ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है चाइना की, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे कल कारखाने यहाँ को देखने को मिलेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि कई बार ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ के पोर्ट में तैनात करता है चाइना अपने स्पाई शिप वगैरह को भी। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि ये क्षेत्र कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं स्क्रीन पर देखिए, ये अप्रैल 28 की तस्वीर बताई जा रही है, CNN वर्ल्ड की न्यूज है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से चाइना के घरों के छत उड़ गए हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कतरा कतरा हो गया है, चूंकि जो वीडियोज हैं वो वीडियोज दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा ही भयानक असर हुआ है। अब कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इसके पीछे फिलहाल के लिए सिर्फ यही एक चीज कही जा रही है कि प्रकृति का कहर टूट रहा है। गुआंगझोउ, जो कि 80 माइल दूर है हांगकांग से और ग्वांगडोंग प्रांत के अंतर्गत आता है, यहाँ स्थिति इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमे काफी कुछ क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर करीब 127 मिलियन लोग रहते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर साल बाढ़ आता है, लेकिन इस तरीके से तूफान के साथ बाढ़ पहली बार आया है, जिसकी वजह से नुकसान भी सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। मवेशियों का हाल भी बुरा है। पत्थर के इतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं कि इन ओलों के बाद बचना मुश्किल है। जो मवेशी इसके चपेट में आए हैं वो मवेशी तो ऊपर ही चले गए हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ डैमेज हुए हैं 141 फैक्ट्रियों की बिल्डिंग पर, माना जा रहा है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।